हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो क्लास होगा वो सेट का होगा। इसके पहले आप लोगों को मैंने दो सेट बता चुके हैं। आपको हम बोले थे कि हर वीक में कम से कम दो सेट का एक वीडियो आएगा, दो वीडियो जिसमें सेट सिलेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे यानी सेट की बात होगी, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी मिसलेनियस होगा। इसके पहले आपको याद होगा पिछले वीक में दो सेट हम लोग दो सेट पे बात किए थे, 15-15 क्वेश्चन का सेट था। उसी तरह से आज हम लोग तीसरा सेट लेकर आए हैं। इसके पहले आपको हम दो सेट बता चुके हैं जिसमें सारे टॉपिक से मैंने यानी मिसलेनियस क्वेश्चन रहता था, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए रहते हैं वही प्रश्न आप लोग को बताया जाता है जो सिलेक्टिव होते हैं। और उससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है और एक पैटर्न पता चलता है कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे लोगों का कहना था कि नहीं सर, आप पूरा पहले टॉपिक पढ़ा दीजिए तब आप सेट पढ़ाइए। कुछ बच्चे को कहना था कि नहीं सर, कुछ सेट भी बताइए। तो सभी का बात रखते हुए चार क्लास, 4 या 5 क्लास आपको क्या होगा, जो थ्योरी चल रहा है वो आपका रेगुलर चलते रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी थ्योरी में आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, वो तो आपका जो चल रहा है वो चलते रहेगा। ये आपका सेट का क्लास है, जो आपको सप्ताह में हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम दो सेट पे बात हो। तो आज हम लोग थर्ड नंबर सेट पे आए, इसके पहले आपको हम दो सेट बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट पर और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरू में ही आपका एक क्वेश्चन आ गया है ट्रिगोमेट्री, और आप लोग को हम ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहे हैं। इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको कुछ हम कंसेप्ट देना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बताने से पहले कंसेप्ट काफी जरूरी है। चलिए देखिए, जैसे आपको पता है, अगर मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ट्रिगोमेट्री में जो आपका क्लास चल रहा है उसमें ये बात अभी नहीं बताए हैं, चलिए वहां नहीं बताए हैं तो यहाँ पे बता देते हैं, फिर वहां भी आपको ये बात बता देंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अगर हम कहें कि इसको ए मान लें इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है एक बार प्लस यानी ए प्लस बी, और एक बार क्या होता है ए माइनस बी। ओके, अब बराबर में क्या हो गया 1। अगर हम कहें यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू निकालें, मान लीजिए हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा यानी 1 बाई सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, यानी ये एक रिजल्ट आ गया आपका, एक ये रिजल्ट आ गया। आई बस समझ में? अगर आपको हम कहें कि नहीं ये वाला वैल्यू निकालिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो वैल्यू क्या आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा यानी 1 बाई क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस क्या टैन थीटा, ये भी आपका एक रिजल्ट आया। ये सेक में होता है। जैसे हम इस पे एक एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल दे दिए कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी दे दिए, पी है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू निकाले, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर वाट, ये हम आपको क्वेश्चन दे दिए। तो देखेंगे आप, अभी आपको हम बताए हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका वैल्यू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे पी, तो हम कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाई पी होगा। यह आपको एक पहला रिजल्ट हुआ। ऐसा ही कुछ और रिजल्ट होते हैं कॉसेक स्क्वायर में, जैसे दूसरा रिजल्ट देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक और टैन में जैसे होता है उसी तरह से कॉसेक और कॉट में होता है, इसको ए मान लीजिए इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा ये माइनस में, जस्ट पीछे की तरह, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1। अगर हम कहें कि यहाँ से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालें, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से एक रिजल्ट आ गया ये आपका। और एक और हम बात कर ले माइनस का, कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये भी आपका एक रिजल्ट हो गया। हम इन दोनों बात को इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉट ए किसके बराबर है। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सेक माइनस टैन है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी आपको हम बताए हैं, अभी बताया है ना कि आपका जो होते हैं सेक माइनस टैन ए, ये किसका वैल्यू होते हैं, 1 बाई सेक ए प्लस टैन ए के बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है। तो इसके जगह पर हम ये लिख दिए, ये इसका मतलब होता है ये हो क्या हो है, बाई है यानी डिवाइड हो गया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगर हम कहें कि यहाँ से आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकालिए तो किसके बराबर होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, प्लस है तो माइनस होगा यहाँ पे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आई बात समझ में। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, ये इनटू होगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या उतरेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आई बात समझ में। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उतर जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई सेक ए प्लस टेन ए। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन किससे मिल रहा है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए सेक ए प्लस टेन ए, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, सी जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना जाएगा आपका, सी जाएगा, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणांक, गुणांक समझते हैं, गुणांक का मतलब होता है कि जो गुना के रूप में होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशियंट, गुणांक मतलब जो गुना के रूप में रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 4 है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए। कोफिशियंट का मतलब होता है गुणांक, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x² - 5x + 2, अगर हम पूछे कि x का गुणांक क्या होगा तो जिसका गुणांक पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए और जो बचता है वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे गुणांक कितना हो गया, -5, और समझ लीजिए 5x4 + 3x³ - 9x² + 2, अगर हम कहें कि x 4 का गुणांक क्या होगा तो 5 होगा। अगर कुछ नहीं रहे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं रहे और पूछे कि x4 का गुणांक क्या होगा, तो अगर x4 का गुणांक पूछा तो कुछ नहीं है तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यहाँ पे पूछ रहा है कि x2 का गुणांक क्या होगा तो किसके बराबर होगा मेरे भाई, 4 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 4a² द्वारा 8a² b² c² को अगर विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त, यानी 8a² b² c² में डिवाइड करेंगे 4a² से, ये a² से a² 4 2 जा कितना 8, इसका रिजल्ट क्या आएगा 2b² c², तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, सी जाएगा। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सेक 4π/3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है वैल्यू, सेक 4π/3। तो देखिए आपको हम बताए हुए ट्रिग्नोमेट्री में ये सब तो बात बता चुके हैं कि पाई का मतलब 180 होता है, अब पाई कितना हो गया 3, ये कितना अर्थ कट जाएगा 60 बार में, चौचर की चौबीस 240, कितना आ गया 240 डिग्री आ गया। अब देखिए 240 को आप दो तरीका से बना सकते हैं, पहला ये सोचिए कि 240 आपको हम पढ़ाए हुए ट्रिग्नोमेट्री में 240 कौन कौन एंगल के करीब है, 180 के करीब है और 270 के करीब है। आप 180 अगर लेते हैं तो 180 में आपको जोड़ना पड़ेगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब आपको हम बताए हुए हैं CAST कास्ट, जब हम लोग आपको ये भी पढ़ाए हुए हैं कि 90 और 270 में चेंज होता है और 180 और 360 में नो चेंज, तो 360 ये 180 है तो नो चेंज हो जाएगा। अब ये सोचना है कि प्लस होगा कि माइनस, तो जब प्लस में चलते हैं तो ये 90 प्लस होता है मेरे भाई, आपको बताए हुए हैं, और ये क्या होता है 180 प्लस, ये क्या होता है 270 प्लस,
और ये आपका होता है 360 प्लस। तो किस घर में जाएगा? इस घर में, टी वाला घर में। टी का मतलब क्या होता है? टेन और कॉट। यहाँ पे आ गया सेक, तो माइनस हो जाएगा। और सेक 60 का वैल्यू किसके बराबर होता है? टू के बराबर। इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप 270 लेके बनाते हैं, सपोज कोई कहता है कि नहीं हम 270 माइनस थीटा करके बनाएंगे, क्योंकि 270 माइनस थीटा 240 हो जाएगा। 270 में क्या हो जाएगा? चेंज, ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 30 हो गया। सेक का चेंजिंग किस में होता है? कॉसेक 30। अब देखिए जब हम लोग माइनस में चलते हैं तो आपको पता है कि ये आपका 90 माइनस होता है कि नहीं होता है? ये आपका होता है 90 माइनस, ये क्या होता है 180 माइनस, और ये होता है 270 माइनस। इसमें भी क्या जा रहा है? टी। टी का मतलब टेन और कॉट, ये कौन चीज में हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पे कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? टू। तो आप 270 लेके बनाइए या 180 लेके बनाइए, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा जा रहा है? माइनस टू। ओके, ये टू है, माइनस टू पे जाएंगे, यानी कौन सा जाएगा ऑप्शन? बी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा, सेक माइनस टू। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन दे दिया है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, कि कह रहा है कि इन दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो एक्स और वाई का वैल्यू निकलना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x+6y=3xy। इधर क्या है? 10x-3y = कितना? 4xy। तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो किसी एक को इलिमिनेट करना पड़ेगा। इलिमिनेट करने का मतलब लुप्त करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है। लुप्त कब होता है? जब बराबर हो। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर कितना से मल्टीप्लाई? 1 से। अब जरा देखिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या उतरेगा? 2x+6y = 3xy। और 2 से गुना कीजिएगा, 10 × 20, 3 × 6 और 4 × 8xy। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जुड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा। 20 और 2x कितना हो जाएगा आपका? 22x। इधर कितना हो गया? 8 × 3 = 11xy। यहाँ से आप एक्स एक्स काट सकते हैं। अब यहाँ से y का जब वैल्यू निकालिएगा तो ये गुना वाला भाग में आ जाएगा, तो 11 × 2 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 11 × 2 = 22, तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 2। देखिए y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 यहीं पे मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए। आप निकाल के देखिएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। चलिए हम निकाल देते हैं, तो समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण 1 कितना है? 2x+6y = कितना? 3xy। हम यहाँ y का वैल्यू कितना निकाले हैं? 2। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रख दीजिए। तो यहाँ 2 रखिएगा तो 6 × 12 हो जाएगा होगा, और यहाँ पे y की जगह पर 2 रखिएगा, 3 × 6x होगा। इसको इधर लाइए तो क्या होगा? 2x प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो -4x, और इधर हो गया -12। ये माइनस से माइनस का खत्म, और ये 4 से कितना मरते कट जाएगा? 3 मरते। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3, और y का वैल्यू कितना आ गया? 2। जो ऑप्शन किस में मिल रहा है? ए में आपका मिल रहा है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए आपको कुछ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, अभी तक मेंसुरेशन पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन कितना होता है, पता है आप लोग को? भुजा क्यू, भुजा क्यू। अगर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या पृष्ठीय क्षेत्रफल का है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। आई बस समझ में? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर दिया है? 2646 के बराबर। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन के लिए मुझे भुजा चाहिए, तो भुजा कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 6 भुजा स्क्वायर, ए का मतलब भुजा है। आई बस समझ में? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ए क्यू। ओके, तो 6a² = 2646। चलिए इसको 6 से डिवाइड करते हैं। जब इसको 6 से डिवाइड कीजिएगा, 6 × 4 = 24 हो गया, फिर 2 बचेगा, 6 × 4 = 24, 6 × 6 = 441। अगर जब a का वैल्यू निकालिएगा तो रूट चढ़ेगा, और 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से भुजा निकाल लिया। अब हमको आयतन, आयतन को हम लोग v से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यानी 21 सेंटीमीटर का जब होल क्यूब कीजिएगा तो 21 गुना 21 गुना 21 कितना आ जाएगा, 9261 ना है। तो यहाँ पे समझिए पूरा डिटेल में, 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 9261 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो देखिए कौन सा ऑप्शन जाएगा, 9261 ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये सब आपका फॉर्मूला बेस्ड है। भले अब आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया है लेकिन आप बचपन के दिनों में ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे। फिर से समझिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 2646, जिसका फॉर्मूला होता है 6a² कटेगा कितना बढ़ते, 441, स्क्वायर वाला रूट चढ़ जाएगा, 441 का वैल्यू कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू, ए क्यू मतलब 21 सेंटीमीटर का होल क्यू, यानी 21 21 21 कितना बार, 3 बार। जब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9261। अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना का अंकित मूल्य 60 रुपया है और एक छूट के बाद उसे 45 रुपया में बेचा गया, कितना बेचा गया, 45। तो जरा सोचिए, 60 रुपया का खिलौना 45 रुपया में बेचा गया तो उसको कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिला, वही डिस्काउंट प्रतिशत में निकालना है कि कितना परसेंट उसको डिस्काउंट मिला। तो देखिए आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, 60 रुपया का चीज कितना में मिला, 45 रुपया, आई बात समझ में। तो 60 रुपया का चीज 45 रुपया मिला तो छूट कितना मिला, 15 रुपया। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि 60 का x% 15 रुपया है जो छूट मिला, हमको छूट का ही ना परसेंटेज निकलना है। तो 60 रुपया का चीज 45 रुपया मिला तो हमको छूट का ही रुपया दिया, 15 रुपया। तो 15 रुपया 60 का कितना परसेंट है, तो मान लिए कि माना कि 60 का x% किसके बराबर है, 15 के बराबर। यहाँ 60 × x/100 बराबर में कितना है, 15। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ये देखिए आपका 2 से कितना मरतबे कट जाएगा, 5 मरतबे, और ये 2 से कई मरतबे कट जाएगा, 3 बार में, आइए 5 मरतबे। और फिर यहाँ से 3 से काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 5 मरतबे। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, ये 50 25%, यानी मुझे वो कितना परसेंट छूट दिया, 25% का छूट दिया। फिर से समझिए, 60 रुपया का चीज़ था, 60 में मान लीजिए एक्स परसेंट छूट दिया होगा तो हमको 15 रुपया का छूट मिला होगा, ये 60 × x/ कितना हो गया, 100, इधर हो गया 15। आप ना होता ऐसे भी कर सकते हैं, 10 × 60 10 × 100। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, ये काटिए, 2 × 3 = 6, फिर यहाँ 2 × 5 = 10, फिर यहाँ 3 × 5 = 15, 50 25। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25%, यानी हमको कितना परसेंट का छूट दिया, 25%। अगला क्वेश्चन भाई, यदि ब्याज की दर 18% प्रति वर्ष हो तो 2000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मुझे CI निकलना है। तो CI का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एक फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 / T − B, ये पिछले सेट में भी बताए थे, या आप अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + R/100 / T, और ए निकाल कर हम लोग क्या कर देंगे, जब हमको CI निकालना होगा तो ए प्लस क्या कर देंगे, ए माइनस क्या कर देंगे हम लोग, पी कर देंगे, तो कैसे का वैल्यू निकल जाएगा, CI। अब डायरेक्ट इस पेपर बना दीजिए, या आप ए निकाल कर उसमें क्या घटा दीजिए, पी घटा दीजिए। सबसे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं, ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पे ए का फॉर्मूला क्या है, पी, तो पी का वैल्यू कितना है, 20,000। और फिर 1 + R, R का मतलब 18 / कितना हो जाएगा, 100, और पावर कितना हो जाएगा, टाइम कितना है, 2। अब यहाँ पे अगर हम चाहें ये 2 से 9 मरतबे और 2 से कितना मरतबे, 50 मरतबे, कितना हो जाएगा, 2 यानी 20,000, 1 + 9 / कितना, 50 / कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे हो जाएगा 20,000, यहाँ पे उतरेगा 50, तो 50 + 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 59 / कितना, 50 हो गया। जब ये 59 / 50 हो गया, मतलब ये कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार, 59 / 50 × 59 / कितना, 50। अब आप देख सक रहे हैं ये 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से आप लोग देख सकते हैं कि 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको अगर आप 5 से काटते हैं तो क्या मतलब कटेगा, 40 बार में, 40 × 5 = 200, और फिर 5 से काट रहे हैं तो कितना मतलब कटेगा, 8 बार में, तो क्या बच गया, 8 × 59 / 59, यही होगा।
उनसठ में उनसठ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3481, 3481। और 3481 में मल्टीप्लाई कीजिए 8 4 6 8, फिर बचेगा 3 27, 27848। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27800 कितना आ गया, 48। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया अमाउंट। देखिए उनसठ उनसठ आठ में मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 27848। मुझे निकालना क्या है मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना है। मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज को। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए का वैल्यू है 27848 और पी का वैल्यू कितना है, 20,000। ओके, अब 27848 में से 20,000 घटाइएगा तो 7848, यही आपका सी आई आया, 7848। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही है, किस फॉर्मूला पे बनाए, हम इस फॉर्मूला पे बनाए, आई बात समझ में। इस फॉर्मूला का मैंने यूज किया, इस फॉर्मूला भी बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये फॉर्मूला बना के हम इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। एक्चुअली में देखिए ये फॉर्मूला किसका है, ए का ही है। ए में से पी घटाए कि नहीं, वही यहाँ पे ए में से क्या घटा दिए, पी। तो ए निकाल कर हमने पी निकाला, वहां से मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगला क्वेश्चन है, 7 सेमी त्रिज्या वाले 24 सेमी ऊंचे शंकु, शंकु का बात करते हैं। शंकु का डिजाइन क्या होता है, पहले हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं। शंकु का अगर आयतन पूछे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। फिर आता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, πr l। फिर होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, πr (n+r)। अब कहिएगा कि l क्या होता है, तो समझिए ये आपका शंकु का फिगर है, ये किसका फिगर है, शंकु का। आई बस समझ में, ये आपका शंकु का फिगर है। इसमें ये जो होता है ये l का काम करता है, तिरछी ऊंचाई। l का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, और इसको बोलते हैं रेडियस r, और ये वाला जो लंबा देख रहे हैं इसको बोलते हैं हाइट। तो क्वेश्चन में क्या करा है, एक शंकु का आधार त्रिज्या दिया है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसको तैयार करने के लिए क्षेत्रफल में लौह चादर, जैसे शंकु का कोई शेप कोई बनाना चाहता है, कोई डिजाइन होता है, जैसे हम लोग बेलनाकार बर्तन बनाते हैं ना, तो शंकु का एक क्या बनाना चाहता है, शंकु को तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगा, यानी इस डिजाइन का मुझे लोहा का कुछ बनाना है, सामान बनाना है। शंकु का डिजाइन जैसे हम लोग बर्थडे या होली के दिन में जो टोपी लगाते हैं, या कोन आइसक्रीम होता है ना, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन, जो कोन आइसक्रीम होता है, जो शेप होता है इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से जो शेप होता है, इस तरह से वो जो शेप होता है वो आपका कोन होता है। तो उसके लिए आपको लौह चादर की आवश्यकता क्या होगी, तो लौह चादर का मतलब क्या, चारों तरफ से लगेगा। देखिए ये जो चारों तरफ से लगता है उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, आई बस समझ में। और नीचे वाला ऐड कर लेते हैं, नीचे जो होते हैं सर्किल होते हैं, जब उसको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिससे तेल मपाता है, जैसे लोग डीजल उजल खरीदने जाते हैं दुकान में, तब तो डिब्बा में बिकता है, लेकिन एक होता नहीं ये तेल नापने वाला, तो जो डिजाइन होता है वो आपका शंकु का होता है। तो शंकु में अगर चादर चादर का बनाना चाहते हैं, चादर से बनाइएगा तो इधर का भी शेप बनेगा गोल और एक पेंदी बनेगा, यानी वो आपका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक और बात है, शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालिए या संपूर्ण पृष्ठीय निकालिए, आपको एल जरूर चाहिए। तो एल का भी फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एल का फॉर्मूला होता है √h² + r² होता है। अगर एच का फॉर्मूला पूछा जाए, एल का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा तिरछी ऊंचाई, इसका मतलब क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। एच का मतलब हाइट ऊंचाई, इसका फॉर्मूला होता है √l² - r² और r का फॉर्मूला होता है l² - h². एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं तीन वो, ये राइट एंगल ट्रेंगल से आया है। एक्चुअली में यहाँ पे बनता क्या है, राइट एंगल बनता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। देखिए
एल हाइपोटेनस की तरह व्यवहार कर रहा है, बिहेव कर रहा है। तो एल का फॉर्मूला परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल जो ट्रिगोनोमेट्री में बताए थे कि कर्ण का जो वैल्यू होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर है, वही से बना है। तो सबसे पहले यहां तो आपको एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 7, और इसका वैल्यू कितना है, 24। तो आर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और ये हो गया 576। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ये आपका एल निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, कितने चादर की आवश्यकता होगी। तो लॉस चादर करने का मतलब क्या, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ क्या फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इस पर वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई का वैल्यू आपको किताब में क्वेश्चन में क्या दिया है, 22/7 रखने के लिए। आर का वैल्यू कितना दिया है, 7। फिर एल का वैल्यू अपने अभी जस्ट निकाला, 25, और आर का वैल्यू कितना है, 7। अब आप यहाँ से 7 से 7 काट दीजिए, क्या बचेगा, 22 गुना कितना बचेगा, 32 बचेगा। 22 गुना कितना होगा, 32 होगा। 22 गुना जब 32 कीजिएगा, इन दोनों को जब इंटू कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 04 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी। आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 2 4 2 2 4 3 2 6 3 2 6। देखिए 704 आया कि नहीं आया। तो याद रखिएगा कि शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। आप कहिएगा कैसे जाने कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, आप इस तरह से गोल कीजिएगा तो वक्र पृष्ठ हुआ। देखिए ये फिगर में समझिए, इस तरह से गोल जो हो रहा है पूरा, ये गोलाकार शेप है, ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। और पेंदी में भी तो चादर लगेगा, जैसे हम लोग बाल्टी यूज करते हैं तो पेंदी में रहता है कि नहीं चादर, तब ना उसमें पानी रुकता है। तो ये हमने संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के एरिया के मदद से लौह चादर की आवश्यकता निकाल दी है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष, यानी आर का वैल्यू कितना दिया है, 10%। आर का वैल्यू कितना दिया है आपका, 10%, प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपया पर, यानी पी का वैल्यू कितना दिया है, 1800 रुपया पर, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सी आई का वैल्यू दे दिया है 378। तो 378 है, वर्षों में समय ज्ञात कीजिए, टाइम निकलना है। तो एक बात बताइए मेरे भाई कि पी और सी आई मालूम है, तो ए का अगर वैल्यू निकालने के लिए कहें तो पी प्लस सी आई हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के बराबर होता है, मिश्रधन के बराबर होता है। तो पी का वैल्यू है 1800, इसमें सी आई जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2178। चलिए अब हमको फॉर्मूला होता है कि ए का क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर कितना, टी। अब यहाँ ए की जगह पर कितना लिख देंगे, 2178। अब पी का वैल्यू कितना दिया है आपका, 1800, 1 प्लस आर का वैल्यू 10/100। ये मुझे टाइम चाहिए। आपको याद होगा पहला और दूसरा सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आई बस समझ में, पहला और दूसरा सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ये आपका 21 है, 2178। अब यहाँ से क्या कीजिए, 2178 हो गया, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा 1800। इधर देखिए 10 × 10 = 10 × 100, इधर क्या बचेगा, 1 + 1/10 पे पावर कितना, टी। अब आप इसको चाहिएगा तो काट सकते हैं, काटिए तो 9 से काटिए, ये कट जाएगा, 9 × 18, ठीक है, बचेगा 3, 9 × 36, 9 × 18, और ये 9 से काटिएगा कितना बार से कटेगा, 200 बार में कट जाएगा, यानी क्या बचा। अब फिर ये 242 फिर काटिएगा तो 121, और ये कटेगा 100। यानी अगर देखा जाए तो क्या बच गया, 121/100, यहाँ बच गया 121/100। अब बराबर में देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो 10 + 1/10 पे पावर कितना हो जाएगा, टी। अब 121 को और 100 को हम 11/10 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इधर भी हो गया 11/10 पे पावर कितना, टी। अब यहाँ देखिए नीचे वाला जब बेस सेम है तो ये पावर बराबर हो जाएगा, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 ईयर्स, यानी 2 साल पर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जा रहा है, 378 रुपया हो रहा है, यानी 2 साल आपका इसका आंसर होगा। समझ में आ रही बात, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक
समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, यहां पे एक समबाहु त्रिभुज बना लिए, ओके। नाम दे देते हैं ए बी सी। अब आगे कह रहा है कि डी ई एफ ए बी, ए बी का जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, यहाँ ए बी का हमने मध्य बिंदु मान लिया डी मान लिया, ओके। बी सी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु क्या मान लिए ई, ओके, और ए सी का मध्य बिंदु क्या मान लिए एफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि बी ई एफ डी चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज कह रहा है तो इसको मिलाएगा, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं, इससे ये मिला दिए, इससे ये मिला दिए, आई बस समझ में। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए ये कैसा चतुर्भुज होगा, तो देखिए तो ये आपका 60 डिग्री है, ये कितना होगा 60 डिग्री, ओके। तो देखा जाए तो ये भी 60 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, और ये 60 है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, और ये भी क्या होगा 120। तो देखिए तो अपोजिट एंगल बराबर है, फिर ये अपोजिट, ये भी 120 हो गया, ये 60 हो गया, साथ ही साथ ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर है, और फिर ये इसके बराबर है, चारों आपस में क्या हो गया बराबर। अब जरा देखिए जब चारों जब बराबर होता है तो वर्ग तो होगा नहीं, वर्ग क्यों नहीं होगा, वर्ग रहता तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा, ओके। तो क्या आएगा आपका सम चतुर्भुज, आपको ये आयत क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए, समलंब चतुर्भुज तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए, आयत और वर्ग में हमेशा 90 डिग्री होता है, इच एंगल 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री बन नहीं रहा तो चलिए ये तो होगा नहीं। अब बचा समलंब, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड अनपैरेलल होता है, नॉन पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं तो समलंब नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डी नंबर, 11 का कौन सा ऑप्शन आ गया डी। अब आइए ए सी ऐसे ब्रीथ की जीवा है, अब देखिए ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, इसके पहले वाला भी ये भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, भले हम आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाए, जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से और कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन हम आपको जो कंसेप्ट चाहिए जिस क्वेश्चन पे वो आपको हम बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सर्किल बना लीजिए, चलिए मैंने एक सर्किल बना लिया, सर्किल बनाने के बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एसी ब्रीथ की जीवा है, मान लीजिए ये आपका सेंटर, एसी ब्रीथ की क्या है, यहाँ पे हमने एक एसी बना लिया, ये ब्रीथ की क्या है जीवा है, जिसका केंद्र ओ है, केंद्र क्या मान लिए ओ। फिर कह रहा है बी एसी पर कोई बिंदु है, मान लीजिए हम यहाँ पे बी मान लेते हैं, इसका नाम क्या दे दिए बी नाम दे दिए, और ओ सी ए, ओ सी ए बराबर 60 डिग्री, ओ सी ए यानी हम इधर से मिला देते हैं, चलिए यहां पे कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री दिया है, ओके। तो क्वेश्चन में कह रहा है एबीसी का परिणाम क्या होगा, यानी यहां से भी मिलाना होगा, ए बी सी इधर से भी मिलाना होगा, यानी मुझे ये वाला एंगल चाहिए। एक बात बताइए, ये आपका ये सेंटर है और ये आपका परिधि है, परिधि का एक बिंदु और सेंटर को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं त्रिज्या, तो अगर इधर भी मिला दे तो ये भी आपका क्या होगा त्रिज्या, तो त्रिज्या सर्किल में आपस में क्या होते हैं बराबर, तो जब ये दोनों त्रिज्या बराबर है ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60 120 ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये तो बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 60 डिग्री दिया नहीं 20 डिग्री दिया है मेरे भाई, कितना दिया है 20 डिग्री, चलिए इसको हटा देते हैं, ये आपका 20 डिग्री दिया है, चलिए तो यहाँ पे कितना दिया है 20, ये भी कितना हो जाएगा 20, तो 20 20 40 एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 20 20 ये कितना हो जाएगा 140, आई बात समझ में। अब आपको पता होगा, पता ना होगा तो जान लीजिए कि एक थ्योरम है, आपको हम बताएंगे जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे आपको कि एक सर्किल है, ध्यान समझिएगा थ्योरम क्या है समझिए, एक सर्किल है तो ये जो सेंटर पर का जो एंगल होता है, ये सेंटर पर का एंगल, ये परिधि पर जो देखिए एक ही बेस पर, देखिए एक ही चाप है ना, ये आपका चाप है,
इस चाप के द्वारा सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और परिधि पे भी बन रहा है। तो केंद्र पर का ये जो सेंटर पर का एंगल जो होते हैं परिधि का, इसका जस्ट डबल होता है। अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा फिगर नहीं है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर ये आपका इस तरह से हम मिलाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, इस तरह से मिलाते हैं, ओके मिला दिए, तो अगर ये 140 है मेरे भाई, ऐसे ये 140 है, ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका 140 है। यहाँ जो है केंद्र पर का कोण परिधि का डबल होता है, ये परिधि पे बन रहा है। तो अगर ये 140 है ये कितना डिग्री हो जाएगा, 70, 70 होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में। आप समझिए यहाँ पे फिगर समझिए, केंद्र पर का जो कोण होता है ये परिधि का डबल होता है। तो अगर ये केंद्र का ये डबल है, ये डबल है तो ये आधा होगा, जैसे ये देखिए 120 है तो ये आधा हो गया, ये 140 है तो ये क्या हो जाएगा, 70। ये पहला आपका थ्योरम है। याद रखिएगा किसी भी सर्किल में केंद्र पर का कोण जो होते हैं परिधि पर के कोण का क्या होते हैं, डबल। ये 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 70। एक कंसेप्ट क्लियर। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है समझिएगा, एक आप लोग पढ़े होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिससे एक वृत्त गुजरता है। जैसे ये आपका सर्किल है, मान लीजिए इसमें एक चतुर्भुज बना दिए इस तरह से, ये आपको हम क्या बना दिए, चतुर्भुज। देखिए तो ये चतुर्भुज का ए है शीर्ष, ये बी है, ये सी है, डी है। जब कोई चतुर्भुज से सर्किल पास कर जाए तो उस चतुर्भुज का नाम देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये हो गया चतुर्भुज का। अब चतुर्भुज का ये चक्रीय चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टीज होता है किसका, अपोजिट एंगल का सम 180। ये अगर मान लीजिए 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। इन दोनों का सम अपोजिट एंगल यानी आमने सामने का कोण का योगफल कितना, 180। ये 60 है तो ये 120 होगा। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री होगा ये 150 डिग्री होगा। जरा देखिए, मान लो यहाँ पे कोई नाम दे दिए डी, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। नहीं देख रहे हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम्मुख कोण का योगफल कितना, 180। तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर जाएगा। थ्योरम क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, बस यहाँ पे दो चीज याद रखना पड़ेगा। पहला ये याद रखना पड़ेगा कि आपका केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है, ये सर्किल का थ्योरम है। आपको तो अभी हम ज्योमेट्री पढ़ाया नहीं है लेकिन क्वेश्चन आया है तो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। और दूसरा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है तो 140। तो केंद्र पर का कोण परिधि का डबल, आई बस समझ में। यहाँ 140 जो हो गया इसका आधा हो जाएगा 70, ये 70 हो जाएगा तो 110, क्योंकि सम्मुख कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पी क्यू आर है और समकोण पी पर है, यानी एक त्रिभुज बना लेना है और वह कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समकोण। जहाँ समकोण बनेगा वहाँ पे पी नाम देना है। तो मान लीजिए ये क्यू होगा और ये क्या होगा, आर होगा। तो पी का वैल्यू कितना दिया है, 3 4, क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 7 4, यहाँ पे 7 4, 7 4, और आर का वैल्यू कितना दिया है, 3 8। तो क्वेश्चन में है त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र का निर्देशांक। तो याद रखिएगा जब भी समकोण त्रिभुज दिया रहे तो जहाँ पे समकोण बनता है वहाँ पे जो पॉइंट होता है उसी को लंब केंद्र। तो समकोण कहाँ बन रहा है, पी, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। याद रहेगा किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपका पॉइंट रहता है जहाँ पे 90 डिग्री जिस पॉइंट पे बनता है उसी को लंब केंद्र बोलते हैं। आई बस समझ में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या दिया है, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब बताइए इस थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, 45,
और इसके जगह पर भी क्या लिख देंगे, 45। सेक 45 का वैल्यू आपको सिखाए हुए हैं रूट टू, कॉसेक 45 का भी वैल्यू क्या सिखाया है, रूट टू सिखाया है। रूट टू कितना हो जाएगा, टू रूट टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू रूट टू। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, आपका सी नंबर इसका ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन में है sin 6 + cos 6 θ किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है sin 6 θ प्लस cos 6 θ, इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर पे पावर 3। अब आप कहिएगा सर कि स्क्वायर ही क्यों दिए, क्योंकि मेरे भाई आपको हम फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप जान लीजिए अभी ये अभी टाइप ट्रिगो में नहीं पढ़ाए हैं, sin²θ, लेकिन बीच बीच में बोले हुए हैं sin²θ प्लस cos²θ बराबर क्या होता है 1, ऐसे बीच में हम बोले हुए हैं, लेकिन इस पर अभी क्वेश्चन नहीं करवाए हुए हैं, ये स्क्वायर में ही वैल्यू 1 होता है, तो हमने स्क्वायर में चेंज किया। फिर यहाँ पे AQ प्लस BQ का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को बताया हुआ है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस पे तोड़िए, AQ प्लस BQ तो क्या होगा, ए प्लस बी, उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि sin²θ का स्क्वायर, अब प्लस क्या बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है, cos²θ का होल स्क्वायर। अब माइनस ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू है sin²θ और बी का वैल्यू है cos²θ। आई बात समझ में। अब देखिए इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसके जगह पर 1 कर दिए, 1 तो लिखना जो ही नहीं है, क्या बचेगा sin²θ का होल स्क्वायर, फिर cos²θ का होल स्क्वायर, और माइनस sin²θ इंटू क्या, cos²θ। अभी तो ऑप्शन में मिला नहीं। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो सोचना ये है कि दोनों में से लगाएंगे कौन, तो चूंकि साइन और कॉस का फॉर्मूला प्लस में होता है, तो आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाइए, माइनस वाला नहीं लगाएंगे। इसको ए मानिए, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या माइनस 2ab, तो ए के जगह पर क्या है sin²θ इंटू cos²θ। अब पहले से क्या मौजूद है, माइनस sin²θ इंटू क्या cos²θ। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब बताइए इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 sin²cos², और sin²cos², 3 sin² इंटू क्या cos²। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, 1 - a नंबर ऑप्शन, 1 - 3 sin² थीटा इंटू क्या cos²θ। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझिए। 6 और 6 को हमने स्क्वायर पे पावर 3, स्क्वायर पे पावर 3 कर दिए। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बहुत सारे बच्चे इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू 1 होता है, 1 छोड़ दिए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, जो बचा पहले उसको लिख दिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, लेकिन मैंने प्लस वाला क्यों यूज किया, क्योंकि इसका रिलेशन किस में होता है, प्लस में होता है, किस में होता है प्लस में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके जगह पर ही हमने ये तोड़ दिया, इतना दूर ये जो देख रहे हैं इस पे हमने इस फॉर्मूला इस वैल्यू को मैंने यहाँ तक तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। और पहले से ये मौजूद था, ये वाला मौजूद था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई बात समझ में। अब देखिए इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हमने 1 कर दिया, 2 sin² cos² sin² cos² 3 sin², ये आपका ऑप्शन किससे मिल रहा है, ए नंबर से मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। तो बताइए आज का जो सेट में 15 क्वेश्चन आपको बताया वो कैसा लगा, जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि नहीं,
मुझे इस पर कुछ कहना है, अपना विचार देना है, तो जरूर आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है। आपको जो बात कहना है आप कह सकते हैं, आप जो भी कहिएगा वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए हम लोग अब एक और सेट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।